करो क्योंकि वो भला है, उसकी सभी प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। क्रिस्त में अति पूजनीय बिशप स्वामी जी, आदरणीय विगर जनरल फादर थॉमस वडकुपरासी अमाई, आदरणीय फादर संतोष कोटेरियसी अमाई प्रोविंशियल नर्मल प्रोविंस, आदरणीय फादर आंटनी कोरमनकल प्रीस्ट इन चार्ज कोप्पुरा, रेवरेंड फादर रेजिस अमाई सुपीरियर नर्मल विगर, हमारी प्यारी मदर आन मेरी छपरी, उपस्थित सभी आदरणीय फादरगण सिस्टरगण एवं मित्रों, हमारे परम प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्रेमपूर्ण दया से बिशप पॉलिनोस मेमोरियल सेवा सदन के प्रांगण में प्रभु को धन्यवाद का निशा बलिदान चढ़ाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। सन 2014 में बिशप पॉलिनोस मेमोरियल सेवा सदन का शुरुआत हुआ था। सबसे हमारे प्रभु की असीम कृपा से एवं आदरणीय प्यारी मदर आर्मेनी के अगुवाई में 18 दिसंबर 2021 में पूजनीय बिशप स्वामी जी द्वारा एक भवन का शिलान्यास किया और आज ये भवन मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर की बहनों का आश्रय बनने के लिए तैयार है। इनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य और ईश्वर की इच्छा मानते हैं। सांसारिक रूप से तिरस्कृत एवं उपेक्षित इन बहनों की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। जैसा कि हमारे संस्थापक पिता मार्थोडेरोस पिताजी ने हमें सिखाया कि यदि ये हमारे मित्र नहीं तो हमारा अन्य कोई मित्र नहीं। आज के इस सुंदर दिन में हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस भव्य समारोह में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे अति पूजनीय बिशप स्वामी मां जोसेफ कलमरबेसियामाई, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए हमारे लिए पवित्र मिसा बलिदान अर्पित करने एवं इस भवन का आशीष कार्य संपन्न करने पधारे हैं। प्रिय पिताजी, आप सदा हमें साथ देते हैं। इस मकान बनाने की प्लानिंग से लेकर अंतिम चरण तक आपकी सलाह एवं सहायता हमें मिलते रहे। आपको देवपुत्र समाज के सदस्यों की ओर से, विशेषकर हमारी आदरणीय मदर आर्मेनी की ओर से आपको हार्दिक स्वागत है। हमारी प्यारी आदरणीय मदर आर्मेनी, जिसकी कठिन मेहनत एवं अगुवाई से इस भवन का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, हम सभी बहनों की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे विशिष्ट मेहमान जो सेंट एंड्रयू पायलटन कॉन्फ़िगरेशन से आए हुए आदरणीय मदर आर्मेनी के डीन सिस्टर शारलेट और उनकी कम्युनिटी मेंबर्स को हम इस समारोह में आमंत्रित करते हैं। वे चाकरा डायसिस के मूल गांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब से वे यहाँ पहुंचे तब से हमारे सभी कार्य विधियों में अपने जैसे हमें मदद एवं प्रोत्साहित दे रहे थे, उनको भी मैं दीपबंधु समाज की ओर से स्वागत करती हूँ।
इस आशीष कर्म में एवं ईसा बलिदान में भाग लेने आए आप सभी को दिल से स्वागत करती हूँ। इस भवन का उद्घाटन हमारा दीनबंधु समाज के को-फाउंडर्स रेवरेंड मदर मेरी प्रसाद के कर कमलों द्वारा किया जाएगा और भवन का आशीष कर्म परम पूजनीय बिशप सामजी के द्वारा किए जाएंगे। अभी मैं आदरणीय मदर मेरी प्रसाद को प्रसाद से अनुरोध करती हूँ कि वे आकर फीता काटकर इस भवन का उद्घाटन करें। सपनों को साकार करने का इस भवन और इस भवन में रहने वाले प्रत्येक सदस्यों के लिए इस पवित्र बलिदान में हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से हमारे सभी बेनिफैक्टर्स और इस भवन के निर्माण में मदद किए सबों को आभार भरे दिल से इस बलिदान में याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें।
सर्वोच्च को हम इस पुण्य अवसर पर आभार प्रकट से याद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस मकान की रूपरेखा एवं निर्माण कार्य सामान्य किए मिस्टर सोनेट और उनके साथियों को हम अपने दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। आज के इस पुण्य दिन में हम भगवत प्यार से हमारे आदरणीय मदर जी को आभार भरे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस सुंदर भवन का निर्माण पूरा किया। मदर जी आपके इस समर्पण के बदले हम दिल से आभार करते हैं। समय समय पर जब यही को जब बीमार होते हैं उनको विशेष करना और उनको जरूरत कभी फोन करने से भी हमारे क्षेत्र को तो उन्हें किए हमारे आदरणीय कभी भी जरूरत पड़ते हैं आप मेरे मदद देते रहते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर विशेषकर विनर चंद्रा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया और मेहनत किया। विशेषकर Thank you.